आप ये जो धर्मांतरण बिल अब सरकार लेकर आई है यूपी विधानसभा में। नहीं, सबसे पहली बात तो ये जो लव जिहाद के नाम से बड़ा अभी आप बता रहे थे बिल आया है, ये जी लव जिहाद हुआ नहीं हुआ ये तय कौन करेगा? दूसरी बात, इस लव जिहाद में खाली माइनॉरिटीज यानी क्रिश्चियन और मुसलमान ही होंगे या इसमें हिंदू भाई भी होंगे हमारे, उनको भी रखा जाएगा? अगर कोई हिंदू मुसलमान लड़की को या क्रिश्चियन लड़की को या दलित लड़की को अपने वश में करके शादी कर लेगा और उसका धर्मांतरण करा देगा तो क्या उसके ऊपर भी ये कानून लागू होगा नहीं लागू होगा, पहले तो ये बताइए। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, कि जिस जी तरह से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, अगर दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं और बालिग हैं मैच्योर हैं जी तो इसमें सरकार को मुख्यमंत्री जी को क्या आपत्ति? और उसके सबसे बड़ी बात कि 4 साल 5 साल साथ में रहे, सारे संबंध बने और सारे संबंध बनने के बाद 5 साल के बाद अगर लड़की ने कह दिया नहीं था, लड़के ने बताया ही नहीं था तो संबंध कैसे बन गए? मसला ये है, ये कौन तय करेगा? 5 साल बाद लव जिहाद कैसे होगा? 4 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद? लव जिहाद तो उस वक्त होता है जो फौरन ही फौरन मालूम पड़ जाए। बहुत सी खामियां हैं सर, ये कोई बिल बिल नहीं है, ना किसी के हित का है, ये एंटी मुस्लिम बिल और हिंदू पोलराइजेशन वाला बिल है। इसके अलावा इसको मैं कुछ नहीं कहूंगा, ये एक ऐसा बिल है जिससे क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगा। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता सुनिए पार्टी के सुनिए प्रवक्ता पूरी हैं। बात सुन लीजिए, सर मैं बहुत आता सी हूँ, दलित एक बार बच्ची उनसे ऐसी हैं भी, जिनका उनकी भी बलात्कार प्रतिक्रिया भारत लेता आज के हूँ। हिंदू आसिम कर जी देते प्लीज हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हीरो वाजपेयी सुनिए जी वो सर, कह रहे हैं कि बहुत एंटी सी मुस्लिम बच्चियां बिल हैं है जिनका और ये बलात्कार कैसे हुआ है, तय शायद होगा कि उस सभी पर पर क्या सजा ये नहीं लागू होती, होगा या इसको नहीं कौन होगा? तय करेगा? देखिए, यही घबराहट है उनकी, क्योंकि वो जानते हैं कि क्यों लागू करना पड़ा, सरकार को क्यों ये बिल लागू करना पड़ा, ये जानते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम में ये माना जाता है कि हमारे यहाँ ये एक पवित्र बंधन है शादी, और इसमें किसी भी तरह का झूठ फरेब और धोखा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ शादी उस पवित्र बंधन का नाम है जिसमें कसमें खाई जाती है, साथ फेरे लिए जाते हैं, और लोग नाम बदलकर धोखा देकर अपराध करके लोगों को बलगला कर भगा कर शादी करके फिर मतांतरण कराने का काम करते हैं। इसीलिए उसमें कई कैटेगरी बनाई गई है बिल में कि किस तरह का मतांतरण कराने पे किस तरह का सजा होगी, और मुझे लगता है बहुत बेहतर है। ये बात सही है कि दो बालिग लोग आपस में ब्याह कर सकते हैं, वो कहीं के भी हो, कैसे भी हो, किसी भी क्षेत्र किसी भी प्रदेश के वासी हो, लेकिन उनके बीच में जो संबंध होना चाहिए वो पवित्र होना चाहिए, धोखे और फसाद की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, मतांतरण की बुनियाद पर वो संबंध नहीं बनने चाहिए। बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी जी हमसे बातचीत करने के लिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा में ये बिल पास कर दिया गया है, इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने